5, 4, 3, 2, 1। 1 बजे रात को देखो ऑमलेट बनाई। बस बेटा 2 दिन मेरे बिना रह लेना, ठीक है? 2 दिन, ठीक ना? ख्याल वो रहा बर्थडे बॉय, आपको यहाँ से साफ साफ देखने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो सब मस्त होंगे। तो गाइस, जस्ट थोड़ी देर पहले उठे हैं और सुबह में उठ गए थे क्योंकि अंकल आंटी आ गया लो। तो सुबह में उठ के फ्रेश हो गए थे क्योंकि हमको पता था आज जर्नी है और आज सागर के घर जाना है। तो 3:30 बजे मेरा ट्रेन है, वैसे 3:45 में होता है, तो 3:30 बजे वहाँ पर समझ रहे हो ना, इवनिंग टाइम है कि हाँ भाई इतना देर तक पहुँच जाओ। तो फिलहाल देखो मेरे संग पीयूष तो शायद नहीं जाएगा, ठीक है? और आज काफ़ी मतलब जर्नी में मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता, पर ट्रेन में ठीक है, मतलब अच्छा खासा चेट कट जाता है, समझ लो टाइम अच्छे से खासा कट जाता है, उतना लोड नहीं पड़ता है फिलहाल। समझिए ट्रेन में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है? और अभी चलेंगे तो हम उसके बर्थडे के जस्ट 10-15 मिनट पहले ही पहुँचेंगे क्योंकि 12 बजे उसका बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा कल 15, तो समझ लो कि 10-15 मिनट पहले पहुँचेंगे। जब हम 3 बजे चलेंगे तो 11:45 से 11:30 तक पहुँचा देगा। तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है अंदर, ठीक है? और दिलावर मस्त है, उसको खाना उन्होंने खा लिया, कंप्लीट कर लिया खाना। और अभी उधर को अंकल को पापा समझ रहा है, थोड़ा बहुत फेस मैचिंग होता है ना तो पापा समझ रहा है, पर बॉडी के अनुसार अंकल बहुत थोड़े पतले हैं मेरे और पापा थोड़े से हेल्दी है, समझ रहे? तो उसमें थोड़ा सा मोहन उसी रूम में खेल रहा है उन्हीं के साथ। तो फिलहाल हम चलते ब्रेकफास्ट करते, ब्रेकफास्ट करके उसके बाद में देखते कैसा क्या सीन है, ठीक है? और जल्दी से निकलेंगे क्योंकि हम लेट बिल्कुल नहीं होना चाहते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि हाँ भाई हम लोग हमेशा लेट होते हैं, हमेशा जब भी ट्रेन पकड़ जाते हैं हमेशा लेट होंगे हम, हमेशा लोग, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम लेट हों, ठीक है? तो फिलहाल चलते हैं, ब्रेकफास्ट करें, जल्दी से खाते हैं, उसके बाद में लंच करेंगे और तुरंत निकलेंगे, ठीक है? ज़्यादा पैकिंग नहीं करना, 2 दिन का बस कपड़ा लेना, बस बात खत्म, बस कुशल आएगा, शोला को आएगा, ठीक है? सारा ब्लॉग में आप देखते रहना, चलो। तो गाइज़ हमारा पैकिंग वैकिंग हो चुका है, हम पैकिंग में जस्ट और इसको भी जस्ट बांधे हैं क्योंकि ये उसी वक्त से अंकल आंटी पे कूद रहा था, मतलब कि मम्मी पापा समझ के, और बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए इसको बांध दिए चुपचाप। और हमारा ये रहा ये बैग, देखो ये वाला बैग लेके जाएंगे, मस्त अपना ये मस्त होता है, मस्त लेके जाएंगे और ये हमारा पहनने वाला है, ठीक है? तो हम पैकिंग वैकिंग पूरा और जल्दी से निकलेंगे क्योंकि अभी 2:30 हो रहा है। तो अभी जस्ट जा रहे थोड़ा प्राग नहाते हैं, थोड़ा सा कुछ खाते हैं क्योंकि हम तो खा भी लिए, इसको खाना खा कर निकलते हैं, पट देना है, लेट नहीं होना है। लेट होने से पता है हमेशा यही कहते हैं लेट नहीं होना है, लेट नहीं होना, पर हमेशा हम लेट हो जाते हैं, तो ऐसा इस बार नहीं करना है। और ये मैंने मुँह तक रहा है। तो बस बेटा 2 दिन मेरे बिना रह लेना, ठीक है? 2 दिन, ठीक ना? ख्याल रख रहा अपना, 2 दिन बस, ठीक है? ऐसे, ठीक ना? कल तो मम्मी आ ही जाएगी तुम्हारे लिए, तो बस 2 दिन तुम ख्याल रखना अपना, ठीक है? और अभी जूता का भी जस्ट फीता लगा रहे थे अपना, हम वही जूता से पहन के जाएंगे और नाइट पैंट टी शर्ट और जूता से पहन के जाएंगे, मस्त आ रही यार। ये देखिए, देख रहे हैं प्यार, मेरे बेटा का प्यार। बच्चा नीचे उतर जा, नीचे उतर जा, नहाने जाना हमको, लेट नहीं होना चाहते हम आज बेटा, अब आएंगे तब खेलेंगे, जा। ठीक है, हम समझ रहे, तुमको सब समझ में आ रहा है कि हम निकल रहे हैं, हम जब पैकिंग कर रहे थे तभी पैकिंग कर रहे थे ना, तो मेरा मुंह ताक रहा था ऐसे, तुम ऐसे करके घूम रहा था हमको कि कहीं तो जा रहा है ये। तो फिलहाल जल्दी से चलते हैं, नहाते धोते इसके चक्कर में तो लेट हो जाएगा, और कल सागर का बर्थडे है, थोड़ा सा एक्साइटेड बहुत है, थोड़ा सा क्या मतलब ज़्यादा एक्साइटेड हम यार कि बहुत लंबे टाइम बाद उसके बर्थडे पर हम जा रहे हैं, रक्सौल बहुत दिन बाद जा रहे हैं। तो फिलहाल वहाँ पर जाकर तो बहुत सारा आपको इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलेगा। तो फिलहाल चलते हैं, नहाते धोते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या है। इंस्टाग्राम में बोला क्या हो बच्चा, नहीं जाए? हाँ नहीं जाए, बोलो। ठीक है ठीक, हम आ जाएंगे, बस 2 दिन आ जाएंगे। गाइस हम रेडी हो गए, पूरा अपना बैग पूरा रेडी करके, समझ रहे? और रैपिडो में आ गया, तब निकलते जल्दी से, नहीं तो लेट हो जाए। और दिलावर जस्ट सोया हुआ था, जस्ट उठ गया बेटा, आराम करो, ठीक है? हम जा रहे हैं, नहीं लेट हो जाएंगे तो खिलाएंगे, क्या लगना? चलो चलो बाय। गाइस हम स्टेशन आ चुके हैं और अभी हो रहा है 3:15। अरे सर एलिवेटर बंद है, एलिवेटर बंद किया हुआ, पता नहीं क्यों, देखा जाएगा, अंधेरा भी है, देख लो, सुनाई दे रहा आपको? क्या बोले, सुनना पड़ेगा। तो गाइज़ फ़िलहाल
अपन ट्रेन रुका हुआ है इधर रास्ते में, यहाँ रुका हुआ है ट्रेन, शायद कोई और ट्रेन आने वाला है इसीलिए। लोकेशन देख रहे हो कितना खूबसूरत है, सामने हरियाली हरियाली। ये रहे हम, बाल का पूरा बैंड बजा हुआ है, आप लोग समझ ही रहे होगे। अब सीट से बैठ के यहाँ, मतलब सीट से बैठ के बोर हो गए थे तो यहाँ आके बैठ गए, समझ रहे हो। अकेले ट्रैवलिंग करने में थोड़ा बोरियत फील होता है, या तो साथ में किसी के आओ, अकेले में बहुत बोरियत फील होता है, समझ रहे हो आप। अब ट्रेन स्टार्ट हो गया, देखो चलने लगा, पता नहीं कोई क्रॉसिंग था शायद, क्रॉस किया ट्रेन फिर स्टार्ट हो गया। हमारा भाई स्मार्ट लग रहा है, लोकेशन देखे तो मजा आता है, हमारे पटना में लोकेशन आता तो गाइज फाइनली हम रक्सौल पहुंच चुके हैं, और मेरा हालत अब देख ही रहे हो क्या हालत हुआ है, बाल का और शकल का। और अभी जस्ट स्टेशन पहुंचने वाले हैं, बस दो मिनट स्टेशन पहुंच जाएंगे। ये देखो स्टेशन आने वाला है, जस्ट रक्सौल पहुंच गए। ये देखो रक्सौल स्टेशन, अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं, जैसे ही ट्रेन रुकेगा पट देना उतरेंगे लोग, पटाख देना। ये रहा रक्सौल स्टेशन, कोई इंसान ज़्यादा दिख नहीं रहा, सागर कहाँ है पता नहीं, इधर शायद आएगा। देखो और देखो एकदम एग्जैक्टली एकदम 30 में पहुँचाया अपने टाइमिंग पे। चलो उतरते हैं। ये तो गाइस रक्सौल हम पहुँच गए मस्त, अब सागर को देखते हैं सागर कहाँ है। वो रहा, हाँ देख लिए, वो रहा उधर है बहुत दूर, दिखाते हैं आपको, चलो इधर से दिखाते हैं। इधर से पुल बंद है, वो देखो बॉय, वो रहा बर्थडे बॉय, आपको यहाँ से साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, समझ में आया। वहाँ जाते हैं उस साइड तो दिखाते हैं आपको। तो गाइज हम आ गए, और शक्ल का हालत पता दिख रहा, ये रहा बर्थडे बॉय, जस्ट 30 मिनट में इसका बर्थडे है। पेटवा तो अंदर कर ले भाई कम से कम, थोड़ा सा पेट कुछ नया दिखा रहा है, कुछ नया दिखाने वाला रक्सौल स्टेशन पे। ये तेरे लिए टका तक मिल जाएगा, लिए हुए थे। देख रहे हो हमारा फ्लैग तिरंगा, कब लगा ये? कल का है ये, मतलब कि उद्घाटन कल ही किया था गाइस का, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस ये देखो, ये सागर का कुछ डॉग है, बहुत मस्त है एकदम, देख रहे हो कितना मस्त। इधर इधर लाइट में बेटा, लाइट में सागर की गली में आ गए लो। तो गाइस देखो कितना प्यारा कुछ डॉग है, देख रहे हो कितना प्यारा मस्त है, सब देखो सागर गली का सब डॉग है, सब सागर इसको रोज बिस्किट खींच खिलाता होता है। छोटू सा छोटू का देखो, चलो ये बड़ा प्यार देखते, इधर आ जा बच्चा, ये बेटा दिलाड़ो, कभी महसूस नहीं होगा, एक दो दिन ये संभाल लेगा, है ना बेटा, बच्चा बहुत प्यारा। देखो पूछ जब हिलता है डॉग का, समझ लो कि बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा सबका पूछ हिल रहा है इसे से पंखा इसे। चलो ठीक है हम जा रहे हैं घर में, बात करते तुम लोग से, बात करेंगे। चलो गाइस अब रूम में आ गए लोग, और अब थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, ठीक है, क्योंकि अरे फ्रेश क्या होता है, रुक जा पहले यार, थोड़ा सा विश्वास करके फिर फ्रेश होंगे, क्या बोलता है, क्या है कि फिर टाइम बीत जाएगा, समझ में आया ना, तो थोड़ा वेट करते हैं। चलो बस अब एक मिनट बाद सागर का हैप्पी बर्थडे होने वाला है, तो अभी वही रिकॉर्ड में चलिए ले क्या फ़ोन करो, हम तुम्हारे सामने बैठे हो भाई यार, इससे बड़ा क्या चीज़ है, 59 हो रहा है अभी, देखो जल्दी से होगा, बस एक मिनट नहीं कुछ सेकंड बाकी है, जो पहले बोल देखते हैं यार, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं सामने, पटना से आके यहाँ बैठे हुए हैं, फ़ोन पे नहीं बक रहे हम, ठीक है, फ़ोन पे नहीं बोल रहे भाई हम, पटना से आके बैठे हैं बाप ना, आप सोचते ना कि हमेशा ऐसे, मतलब मज़ा अच्छा लगता है, मतलब बर्थडे के, समझ रहे ना, होगा अब जस्टिस, बस आने वाला है 5 4 3 2 1, नहीं हुआ अभी भी नहीं हुआ अभी भी नहीं हुआ यार, अरे पहले भारत भाई, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे पहले हम बोले हैप्पी बर्थडे हम पहले बोले,
हम पहले बोले अब तुम भाई बतिया लो जिसे बतिया है ना, इसको फ्री छोड़ देते हैं लो, ठीक है। बताते हैं बेचारे को कहाँ कहाँ से कॉल आया, कहाँ से नहीं, क्यों इसको डिस्टर्ब करें, समझ रहे हो आप। मस्त फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। 500 रुपया मांग रहा है, अरे बाप रे, सबसे सगुन मांग रहा है। तो गाइस अभी ना हम लोग 1 बजे रात को देखो ऑमलेट बनाए, ये सागर का, ये मेरा जर्निया से तोड़ दिया है, देखो बर्थडे इसके बाद कुछ भी करेगा। हाँ मेरा ऑमलेट तोड़ दिया है, खैर कोई बात नहीं, उसमें प्याज इतना डाल दिए थे ना बता ही नहीं सकते। तो फ्रेश हो चुके लोग, खाना खाएंगे मत और फिर बहुत सोएंगे, बहुत मेरा माथा दुख रहा है। ट्रैवलिंग इतना कि 8 घंटा ट्रेन में, ऊपर से अकेले, समझ रहे हो, अकेले। तो गाइस हमारा खाना पीना मतलब पूरा कम्प्लीटली हो चुका है और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और सागर भी बहुत ज़्यादा थक गया, तो वो भी सोएगा और हम भी सोएंगे ताकि कल हम लोग मतलब मंदिर जा सकें। कल बर्थडे है और मतलब आज ही बर्थडे है, तो आज आप लोगों सबको हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, ठीक है। तो आज वैसे सागर के स्कूल में फंक्शन भी है तो उसमें भी जाना, सुबह सुबह उठ के, तो समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब आज का नहीं, मतलब जो ये ब्लॉग बीतेगा इसके कल का, जो मतलब जो कल आएगा आपको 16 तारीख को जो ब्लॉग आपको मतलब सुबह मिलेगा, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगा क्योंकि सागर का बर्थडे होगा, 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन होगा उसके स्कूल में, वो सब दिखाया जाएगा, मतलब बचपन में जो पढ़ता था स्कूल उसका बता रहा, ठीक है। तो फिलहाल आप ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर और हाँ जय हिंद, ठीक है, बाय।